नमस्कार बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज आपको साउथ फेसिंग प्लॉट में मुख्य द्वार किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए और इनके क्या शुभ फल मिलते हैं और क्या अशुभ फल मिलते हैं उसके बारे में आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपका प्लॉट साउथ फेसिंग है तो उसमें मुख्य द्वार हमेशा ही साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर यहाँ पर आपको अपना मुख्य द्वार लगाना चाहिए यहां पर मुख्य द्वार लगाने से हमेशा ही पैसे आने के साधन बने रहते हैं पैसे आते हैं स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और प्रसिद्धि भी होती है साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर गेट लगाने से हमेशा ही सुख मिलता है यदि आप अपना मेन गेट मुख्य द्वार साउथ सेंटर से साउथ वेस्ट की ओर लगा देते हैं यहां से घर के अंदर आने जाने का सिस्टम बनाते हैं तो ये मान के चलिएगा घर के अंदर हमेशा ही परेशानी बनी रहेगी घर के जो मालिक है उनका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और आपस में अनबन भी बनी रहेगी तो इसलिए कभी भी साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार नहीं लगाना चाहिए और साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार लगाने से लाइलाज बीमारी भी घर के अंदर आ जाती है तो इसलिए हमेशा ही साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर ही अपना मेन गेट मुख्य द्वार लगाना चाहिए और यहाँ पर जब आप मुख्य द्वार लगाए तो मुख्य द्वार आपका पैक वाला होना चाहिए जाली वाला नहीं होना चाहिए इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है मुख्य द्वार की जो हाइट है और जो आपकी कंपाउंड वॉल की हाइट है वो इक्वल होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए यहाँ पर आप कॉलम हैवी बनाना चाहिए तो हैवी भी, भी बना सकते हैं लेकिन सबसे अच्छे कॉलम वही रहते हैं जो दीवार के पैरलर जाते हैं मान लीजिए आपकी दीवार नौ इंच की है तो कॉलम भी आपका नौ इंच के पैरलर ही होना चाहिए अब इसमें अंदर का द्वार कहाँ लगाना चाहिए यानी अंदर की जो एंट्रेंस है वो किस दिशा में करनी चाहिए आप अपना मेन गेट साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर लगाते हैं और आपके प्लॉट का साइज बड़ा है तो आप वेस्ट की दीवार पर अपनी बिल्डिंग बनाए ईस्ट में ओपन स्पेस रखें साउथ में भी आप ओपन स्पेस रखें लेकिन ध्यान रखना है जितना स्पेस साउथ में ओपन रखते हैं उससे ज़्यादा स्पेस नॉर्थ में ओपन होना चाहिए क्योंकि ये वास्तु के बेसिक नियम है और इन्हें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए जो व्यक्ति नॉर्थ की दीवार के साथ टच करके बिल्डिंग बना देता है और साउथ में ओपन एरिया रखता है तो वो हमेशा ही तकलीफ़ में रहता है और देर सवेर हालात ऐसे बन जाते हैं कि देनदारी इतनी बढ़ जाती है कि वो उतरने का नाम नहीं लेती जितने भी प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी की है सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी देनदारी फिर भी रह जाती है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है साउथ में ओपन एरिया रखते हैं तो नॉर्थ में भी ओपन एरिया रखना बहुत जरूरी है अब मेन एंट्रेंस आपने कहाँ बनानी है आप मेन एंट्रेंस साउथ साउथ ईस्ट के भाग में बना सकते हैं यहाँ से घर के अंदर आने का रास्ता बनाते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा और ऐसे ही ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ से आप अपने घर के अंदर आने के एंट्रेंस बनाते हैं तो ये दोनों एंट्रेंस आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद रहेगी हमेशा ही आपको अच्छे रिजल्ट देगी ईस्ट में डोर लगाने से हमेशा ही परिवार की बढ़ोतरी होती है और साउथ में डोर लगाने से घर के अंदर धन दौलत आती है साउथ में मेन गेट लगाने से परिवार लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक तो आपने एंट्रेंस साउथ में जरूर बनानी है ईस्ट में ओपन एरिया रखते हैं तो ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर एंट्रेंस जरूर रखनी है इन बातों का आप ध्यान रखकर अपना घर बना सकते हैं आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं आप अपनी साइट का वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेंगी पेड रहेंगी आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब और वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार